हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक बोर्ड 1920। आज हम बात करेंगे वो क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में नहीं हैं लेकिन कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ए प्लस 1x प्लस साइन एक्स होल अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, सी व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0, अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन बी एक्स टू द पावर 3/2 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। कंटिन्यूटी बेस्ड इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस कम हैं और इस टाइप का लगभग एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है। फाइंड एबीसी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। ये फर्स्ट लाइन आपने जरूर मेंशन करनी है। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि 0 पे हमें कंटिन्यूअस गिवन है। अगर ये 1 होता तो आप यहाँ पे लेते 1 माइनस। लेस देन के लिए जो फंक्शन है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ग्रेटर देन के लिए जो फंक्शन गिवन है वो आपने यहाँ पे पुट किया। f0 व्हेन x इज 0 फंक्शन इज c। ये हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया, ठीक है। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, जब भी 0 माइनस या 0 प्लस होता है तो आप उसको h में चेंज करते हैं। इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली, x इज इक्वल्स टू 0 माइनस h। वेन x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू 0, ठीक है। इस केस में x को आप क्या लेते हैं, x इज 0 प्लस h। h इसमें भी 0 पे ही टेंड करेगा क्योंकि x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू 0। h को आपने चेंज किया यहाँ पे, क्योंकि हम 0 प्लस एच से रिप्लेस कर रहे हैं तो 0 प्लस एच इज सिंपल एच, तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस था इसलिए हमने इसको अलग से मेंशन किया है, क्लियर है ये। अब आपने क्या करना है, यहाँ से भी माइनस कॉमन, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। यहाँ से भी माइनस कॉमन आएगा, वो इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस टर्म के लिए साइन का फॉर्मूला कंप्लीट करना है आपको, तो a प्लस 1 इंटू एच, अपॉन में केवल h है, a प्लस 1 भी आपको लेना है। उस a प्लस 1 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, प्लस ये ऑलरेडी कंप्लीट है आपके पास, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू a प्लस 1, राइट। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमने h यहाँ से कॉमन किया तो रूट h कॉमन आएगा, रूट h ये भी है, वो इस h 3/2 से कैंसिल होगा तो सिंपल h आपके पास रिमेनिंग होगा। h कॉमन किया 1 प्लस बी एच, यहाँ से केवल 1 रह जाएगा। अब जब भी अंडर रूट का टर्म है तो उसके कॉन्जुगेट से आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड। मल्टीप्लाई डिवाइड किया आपने कॉन्जुगेट से, अब a माइनस बी और a प्लस बी, ये आपको मिल जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल आउट। अब इस बी एच से ये बी एच कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे केवल 1 है। जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 यानी 1 प्लस 1 दैट इज हाफ। इसको जब आप इसके इक्वल रख रहे हैं तो a आपको मिल गया माइनस 3/2, इसको इसके इक्वल रख रहे हैं तो c आपको मिल गया। लेकिन यहाँ से b इन्वॉल्व ही नहीं है, दैट मीन्स b इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) equals to mod x minus 3 is continuous at x equal to 3 but not differentiable at x equal to 3। इसी टाइप से क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है। Find a function which is continuous at exactly 2 या 3 points but not differentiable at exactly 2 or 3 points। तो वो मॉडुलस फंक्शन ही होता है। जैसे यहाँ पे x माइनस 3 है, प्लस में x माइनस 2 ले लें या x माइनस 4 ले लें, तो वो कंटिन्यूस तो होगा 3 और 4 पर लेकिन डिफरेंशियबल नहीं होगा, ठीक है। इस फंक्शन को पहले हम रीडिफाइन करेंगे, x माइनस 3 सेम यही फंक्शन जब x ग्रेटर और इक्वल टू 3 है। अब ये 3 कहाँ से आता है, जब आप इस टर्म को पुट करते हैं 0 के इक्वल, ठीक। 3 माइनस एक्स क्योंकि इसका नेगेटिव हो जाता है जब लेस देन 3 आप लेते हैं। कंटिन्यूटी के लिए आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस, फंक्शन इज लेस के लिए है 3 माइनस एक्स, ये रख दिया आपने। नाउ लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स को रिप्लेस करना है 3 माइनस एच से, 3 से 3 कैंसिल, एच और एच किस पे टेंड कर रहा है, 0 पर। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 फंक्शन इज x माइनस 3, दिस इज 3 प्लस x के प्लेस पर 3 प्लस h, ये 3 एज इट इज, 3 से 3 कैंसिल, h क्योंकि 0 पे टेंड कर रहा है तो वैल्यू आ गई आपकी 0। फंक्शन की वैल्यू 3 पर, जब एग्जैक्टली 3 है तो 3 माइनस 3 दैट इज 0, तीनों वैल्यूज इक्वल है इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करनी है आपने, जिस पॉइंट पर भी चेक करना होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 ही रहेगा, f a माइनस एच। अब हमें 3 पे चेक करना है तो 3 माइनस एच माइनस एफ 3 होल अपॉन माइनस एच, दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 3 प्लस एच माइनस एफ 3 अपॉन में प्लस एच, बस ये आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस एच, जब 3 से लेस है, माइनस का मतलब लेस, तो फंक्शन क्या है 3 माइनस एक्स। अब इसमें x को आप किससे रिप्लेस कर रहे हैं 3 माइनस एच से, ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। f3 कहाँ से लेना है, जहाँ पे इक्वल साइन होगा, कितना है x माइनस 3, लेकिन हम यहाँ पे 3 पुट कर रहे हैं, दैट इज 3 माइनस 3, राइट। अब अपॉन में माइनस एच, इस 3 से ये 3 कैंसिल, ये प्लस h, ये ऑलरेडी कैंसिल है, h अपॉन माइनस एच दैट इज माइनस 1, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h माइनस f3 अपॉन h। अब 3 प्लस h व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 फंक्शन इज x माइनस 3 बट x इज रिप्लेस्ड बाय 3 प्लस h, x को क्या रखना है 3 प्लस h, ये 3 कैंसिल, f3 की वैल्यू वही रहेगी 3 माइनस 3 0 h upon h that is plus 1, minus 1 is not equal to plus 1, यानी left hand derivative is not equal to right hand derivative, so function is not differentiable at x equal to 3. एक क्वेश्चन और देखेगा, find dy by dx if y equals to sin inverse 6x minus 4 under root 1 minus 4x square upon 5. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको गिवन हो तो ये टर्म्स इसी टाइप से होंगी कि इसको हम चेंज कर सकते हैं sin a plus b या sin a minus b में। यहाँ cos इनवर्स है तो उसको आप चेंज कीजिएगा cos अल्फा प्लस बीटा या cos अल्फा प्लस बीटा में, माइनस में या प्लस में। 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 2 में, वो आप यहाँ पे चेक कर लें कि अंडर रूट में आपके पास क्या है, अंडर रूट में है 1 माइनस 4x स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2x होल स्क्वायर। तो 2x को हमने एक टर्म एज्यूम करनी है और 3/5 को दूसरी टर्म, ये ऑटोमेटिक आपको उसी टाइप से मिल जाएगा। जैसे अगर हमने इसको साइन अल्फा एज्यूम किया और इस टर्म को कॉस बीटा लिया है तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे कॉस अल्फा और साइन बीटा। कॉस अल्फा इज अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एंड साइन बीटा इज अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ये वैल्यू पुट की आपने, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो एडजस्ट हो जाएंगी। नाउ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, then sin inverse sin alpha minus beta, sin inverse cancel out, so we have alpha minus beta. What is alpha? Alpha is sin inverse 3 upon 5 minus cos inverse 2x, right? Now differentiate with respect to x, क्योंकि ये constant है, इसका derivative 0, cos का direct formula है minus 1 upon under root 1 minus x square, लेकिन x के place पर आप 2x use कर रहे हैं, फिर 2x का डेरिवेटिव दैट इज 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। इनवर्स में जब भी आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी का या डेरिवेटिव का क्वेश्चन आए तो उसको पहले आपने सिंप्लीफाई फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद ही डिफरेंशिएट करना है। सो आज इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगे तो लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय।